So let's start. In the today's session, we will discuss about the application object. This object is used to share the information among the user of the web application. The variable becomes alive when the first request to the application comes on. This object is typically used to create variable that need to maintain application level scope. Means application object has following two methods, lock and unlock. When we are using some creating some application, ठीक है, या हम किसी web application को access कर रहे हैं, उसकी information share कर रहे हैं, तो उस वक्त ये variable create किए जाते हैं जिसे हम application object कहते हैं. तो उसमें दो methods use होती है, lock and unlock. To lock the variable and to unlock the variable. तो what is the use of this variable, वो हम आगे देखेंगे. Since the application variable can be accessed by all the users of the application, lock and unlock method is used to avoid more than one user accessing the same variable. So this is the benefit of these two method. Is do method ka benefit kya hai ki application, web application means some of the applications, jo applications rehti hai web application, it is accessible by the thousands and millions of users. Theek hai, मिलियंस ऑफ यूजर्स के थ्रू वो एप्लीकेशन एक्सेस हो रही है, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स के थ्रू वो एप्लीकेशन एक्सेस हो रही है. इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, वो शेयर की जा रही है अमॉन्ग द नंबर ऑफ यूजर्स में. तो उस वक्त एक वेरिएबल क्रिएट होता है, इट इज़ कॉल्ड एज एप्लीकेशन वेरिएबल. तो जो भी यूज़र उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, उस यूज़र्स का एक वेरिएबल क्रिएट होगा, और जैसे ही उस एप्लीकेशन को वो एक्सेस करेगा तो वो लॉक किया जाएगा उस वेरिएबल को, और जब उस एप्लीकेशन का यूज़ हो जाएगा तो वो अनलॉक हो जाएगा वो वेरिएबल. अब इसका बेनिफिट क्या है, तो इसका बेनिफिट ये है कि द एप्लीकेशन वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल द यूजर्स ऑफ द एप्लीकेशन, लॉक एंड अनलॉक मेथड इज यूज्ड टू अवॉइड मोर देन वन यूज़र एक्सेसिंग द सेम वेरिएबल. इसका बेनिफिट ये है कि एक ही वेरिएबल को एक से ज़्यादा यूजर्स एक्सेस ना कर पाए. ठीक है, एक वेरिएबल एट द सेम टाइम कोई एक ही यूज़र एक्सेस करे, इसीलिए लॉक किया जाता है उस वेरिएबल को. तो इसका बेनिफिट ये है कि जब भी वो लॉक होगा तो हम अवॉइड कर सकते हैं कि सेम वेरिएबल को मोर देन यूज़र के थ्रू वो एक्सेस ना हो पाए. यू कैन क्रिएट अ न्यू वेरिएबल विथ एप्लीकेशन स्कोप यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स. तो ये सिंटैक्स है, यहाँ पे सिंटैक्स application and in brackets create one variable name and equals to value. Similarly application and then variable name or object name, हम यहाँ पे object भी create कर सकते हैं. For every set of the data you enter in the form name and email of previous example, we have stored a counter. This counter is stored as a application variable. This is common to entire application. ये एक example उन्होंने बताया जो हमने previous देखा था. प्रीवियस में हमने ये दिखाया कि नेम ऑफ द यूज़र पूछा गया है और आईडी, ईमेल आईडी पूछा गया है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो बंदा उस पर्टिकुलर वेबसाइट को या वेब एप्लीकेशन को लॉगिन कर रहा है. सो वंस यू लॉगिन इन दैट वेबसाइट, एक काउंटर वेरिएबल क्रिएट होगा, एंड दिस काउंटर वेरिएबल इज नथिंग बट एन एप्लीकेशन वेरिएबल. उसको हम एप्लीकेशन वेरिएबल कहेंगे, और वो काउंटर जो है वो एप्लीकेशन वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा. जो भी वैल्यू काउंटर वेरिएबल, यानी एक वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू 1, 2, 3, 4 सो ऑन. ठीक है, तो वो काउंटर वेरिएबल उस एप्लीकेशन वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा, और हम वो जो दिस इज कॉमन टू एंटायर एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन के लिए वो काउंटर वेरिएबल जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा. आई एम यूजिंग एप्लीकेशन नम वैल्यू टू स्टोर द वैल्यू एंड इंक्रीमेंट इट बाय 1 फॉर एवरी सेट ऑफ डेटा यू एंटर. Before incrementing, I use application lock method, and after incrementing, I use application unlock method. तो ये counter variables अगर है वो, तो ये obviously एक integer variable है, और integer variable है तो वो उसकी starting value 0 या 1 हो सकती है. तो जब भी आप इस application को login करोगे, web application को, तो उसकी starting value either 0 या 1 रहेंगी. अगर आपने उस web application का next page access करने किया है, तो बिफोर एक्सेसिंग द नेक्स्ट पेज, जैसे वो नेक्स्ट पेज एक्सेस करेगा तो आपका काउंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट हो जाएगा. बट इंक्रीमेंट होने से पहले आपका जो एप्लीकेशन के जो दो मेथड्स बताए हैं, लॉक एंड अनलॉक, तो ये दोनों मेथड को
क्या होगा, कॉल किया जाएगा। जैसे ही को काउंटर वेरिएबल क्रिएट होता है तो लॉक मेथड कॉल की जाएंगी, काउंटर वेरिएबल जैसे ही इंक्रीमेंट होता है तो अनलॉक मेथड कॉल की जाएंगी। तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं एप्लीकेशन लेवल पे। सो फॉर एग्जांपल जैसे यूज़र, ये देखो यहाँ पे जनरली दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ यूज्ड इन अ मल्टी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मल्टी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट, मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट कह सकते हैं या मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं हम। सो हियर इज़ द एग्जांपल ऑफ मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट। तो मल्टी यूज़र ही हम कहेंगे। तो मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में मल्टीटास्किंग ये होता है कि एक यूज़र के थ्रू मल्टीपल टास्क क्रिएट हो रहे हैं, बट इस टाइम पे हम एक यूज़र के थ्रू मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम एक यूज़र मल्टीपल यूज़र के थ्रू हम सेम वेब एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं। सो हियर इज़ द एप्लीकेशन, ये एक आपकी एप्लीकेशन है, ऑर्डर फॉर्म है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ठीक है, जिसे ऑर्डर करना है। एंड दिस फॉर्म इज़ एक्सेसेबल बाई दिस थ्री यूज़र्स, यूज़र वन, यूज़र टू एंड यूज़र थ्री, ये तीनों यूज़र इस सेम फॉर्म को एक्सेस कर रहे हैं। सो हियर इज़ द यूज़ ऑफ एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ज़रूरी है। व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जैसे यूज़र वन ने इस ऑर्डर फॉर्म को एक्सेस करने की कोशिश की है तो ये एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू आपका काउंटर वेरिएबल जो है वो पॉपुलेट हो जाएगा, ठीक है, और लॉक मेथड कॉल होगी। और जैसे ही ये काउंटर वेरिएबल यहाँ पे लॉक मेथड कॉल होती है और काउंटर वेरिएबल क्रिएट होगा तो ये सेकंड यूज़र इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी लॉक्ड बाय सम ऑफ द यूज़र वन। जैसे यूज़र वन का काम ख़त्म हो जाता है तो अनलॉक मेथड कॉल होंगी, अनलॉक मेथड जैसे कॉल होती है तो ये फॉर्म जिसने सेकंड यूज़र ने जैसे रिक्वेस्ट डाली थी उसको दिया जाएगा, ठीक है। इसको जैसे ही दिया जाता है, रिस्पॉन्स दिया जाता है यानी इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाती है तो जो काउंटर वेरिएबल पहला यूज़र का था उसको इंक्रीमेंट किया जाएगा। एंड एट द टाइम ऑफ इंक्रीमेंटेशन लॉक मेथड फिर से कॉल होगी। जैसे ही लॉक मेथड कॉल हो गई ये थर्ड यूज़र फिर से इस फॉर्म को एक्सेस नहीं कर पाएगा बिकॉज इट इज़ लॉक्ड बाय यूज़र टू। ओके, तो ये थर्ड यूज़र या यूज़र वन एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे यूज़र टू का काम ख़त्म हो जाता है अनलॉक मेथड कॉल होंगी, काउंटर वेरिएबल रिलीज़ किया जाएगा एंड इट इज़ एक्सेसेबल बाय द यूज़र थ्री। जैसे यूज़र थ्री उसको एक्सेस करेगा फिर से काउंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट होने से पहले लॉक मेथड कॉल होगी और ये लॉक मेथड कॉल होती है जैसे ही तो ये एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट या वो काउंटर वेरिएबल जो है वो लॉक हो जाएगा बाय यूज़र थ्री के थ्रू और यूज़र वन यूज़र टू कैन नॉट बी एक्सेसेबल दिस फॉर्म। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट यानी आपका वेब एप्लीकेशन को कितने मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम, अगर मल्टीपल यूजर्स सेम एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं या सेम वेरिएबल को उस एप्लीकेशन के अंदर के सेम फॉर्म को सेम वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं सो दैट टाइम दिस विल बी यूज्ड, यानी वो और हम चाहते हैं कि ये फॉर्म या ये पर्टिकुलर चीज़ जो है एट अ टाइम एक ही यूज़र उसको एक्सेस कर पाए सो दैट टाइम वी क्रिएट एन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। सो दिस इज़ यूज टू अलाउ मोर देन वन यूज़र एट अ टाइम टू रन द वेब एप्लीकेशन विच कैन बी सेपरेट प्रोग्राम लिंक टू द वेब पेजेस एंड द वेब पेजेस एंड एएसपी स्क्रिप्ट देमसेल्फ। विदाउट दिस वन यूज़र वुड बी सेटिंग एंड रीसेटिंग द काउंटर एंड कैलकुलेटिंग दैट वेयर इन यूज बाय द अनादर एंड एज इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन एन ऑनलाइन स्टोर्ड वेबसाइट्स। तो ये इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ की जाती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में, ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट्स जैसे अमेज़ॉन हो गया या अलग अलग वेबसाइट्स हम जहाँ पे हम ऑर्डर करते हैं वहाँ पे जनरली एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज़ द सर्वर ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट गिव एक्सेस टू सर्वर कंपोनेंट्स, इट्स मेथड्स एंड द प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली सर्वर ऑब्जेक्ट्स मीन्स सर्वर साइड जो भी रिक्वेस्ट पास होती है तो सर्वर साइड जो कंपोनेंट जो मेथड या प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है उसको हम सर्वर ऑब्जेक्ट कहते हैं। दिस ऑब्जेक्ट हैज़ फॉलोइंग मेथड्स, क्रिएट ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट मेथड यूज टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ सर्वर कंपोनेंट, देन HTML एनकोड, URL एनकोड, HTML एनकोड टू HTML एनकोड द स्ट्रिंग पास एंड URL एनकोड मीन्स URL एनकोड टू स्ट्रिंग। The create object is very important method. It is widely used in most ASP pages.
क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड के थ्रू सर्वर ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। सर्वर ऑब्जेक्ट यानी सर्वर साइड जो रहता है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड के थ्रू जनरली सर्वर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एएसपी के अंदर। सो द सिंटैक्स इज सर्वर डॉट मेथड। मेथड मीन्स द मेथड विच इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग दैट ऑब्जेक्ट। तो मेथड कौन सी है? क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल सर्वर डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे हमने स्ट्रिंग पास की है adodb.connection। अब जनरली adodb.connection ये स्ट्रिंग्स हमने कनेक्टिविटी जब हम करते हैं डेटाबेस के साथ, ठीक है, तो सर्वर के थ्रू कनेक्टिविटी होती है। जैसे हम ASP.NET पढ़ रहे हैं तो ASP.NET इज वेब डिज़ाइनिंग, और जब मुझे कनेक्टिविटी करनी है तो मेरे पास डेटाबेस है, तो हम लोगों को डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी पड़ती है बाय यूजिंग सम क्वेरी स्ट्रिंग। उसको क्वेरी स्ट्रिंग कहा जाता है। तो उसमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स आता है, उसके बाद उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग आती है। तो आप जिस प्रकार का ड्राइवर यूज़ कर रहे हो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, उस टाइप के कनेक्शन स्ट्रिंग या कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे ADODB यूज़ किया गया है, ठीक है, तो ADODB.connection, तो ये उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग है। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है? इसके थ्रू आपका एक सर्वर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, adodb.connection ये स्ट्रिंग के थ्रू एक सर्वर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो आपके वेब एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा। ASP कैन यूज एनी ऑफ द एक्टिव सर्वर कंपोनेंट्स रजिस्टर्ड ऑन सर्वर, एंड वी हैव टू सेट द एक्टिव सर्वर कंपोनेंट विथ IIS। IIS का लॉन्ग फॉर्म इसके पहले मैंने बताया था, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। तो ये इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज ये इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा वेब एप्लीकेशन को रन करने के लिए, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में होस्ट रहती है, सिर्फ उसको एक्टिव करना रहता है, ठीक है। तो ASP जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसमें ये सर्विसेज होना ज़रूरी रहता है व्हेन वी एक्सेसिंग द वेब एप्लीकेशन। वी यूज़ क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड टू एक्सेस दिस कंपोनेंट। देर आर कंपोनेंट्स लाइक डेटा एक्सेस कंपोनेंट, ठीक है, ये डेटाबेस कनेक्टिविटी में यूज़ किया जाता है, ब्राउजर कैपेबिलिटीज कंपोनेंट, देन एड रोटेटर AD, ठीक है, AD यानी एडवर्टाइजमेंट जिसे कहा रोटेटर, AD रोटेटर कंपोनेंट्स, एडवर्टाइजमेंट कंपोनेंट्स है ये। तो ये पूरे ASP के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। AJAX करके भी एक कंपोनेंट रहता है। उसी तरीके से डेटा एक्सेस कंपोनेंट OLEDB हो गया या ODBC हो गया, तो ये डेटा एक्सेस कंपोनेंट्स रहते हैं। ब्राउजर कैपेबिलिटीज कंपोनेंट्स अलग रहते हैं, AD रोटेटर कंपोनेंट्स, एडवर्टाइजमेंट रोटेटर कंपोनेंट्स रहते हैं, AJAX कंपोनेंट्स रहते हैं। तो ये कंपोनेंट्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? एक्सटर्नल जो भी कनेक्टिविटी है, डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गया या फिर एक्सटर्नल फाइल्स हो गया, उसको अगर कनेक्टिविटी करनी है और सर्वर ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ते हैं और कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है, तो उस वक्त हम ये यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स। ईच कंपोनेंट एक्सपोज सर्टन ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड। तो हर एक कंपोनेंट्स के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है और मेथड्स है। जैसे ये डेटा एक्सेस कंपोनेंट में OLEDB का ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, ADODB.connection। अगर हम OLEDB लेते हैं तो यहाँ पे OLEDB.connection, तो ऐसे हर एक अकॉर्डिंग टू दैट कंपोनेंट्स उसके प्रॉपर्टीज मेथड्स अलग अलग रहते हैं। वी कैन यूज दिस मेथड्स इन अवर ASP पेजेस। वी विल यूज server.create मेथड टू एक्सेस वेरियस मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्राउजर कैपेबिलिटी कंपोनेंट। ब्राउजर कैपेबिलिटीज कंपोनेंट इज यूज टू फाइंड आउट द कैपेबिलिटीज ऑफ ब्राउजर। वी कैन वेरीफाई द कैपेबिलिटीज ऑफ द ब्राउजर एंड डिलीवर कंटेंट बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल वी कैन वेरीफाई वेदर द ब्राउजर सपोर्ट्स फ्रेम्स और नॉट, एंड डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट यू कैन डायरेक्ट द यूजर टू द पेज विथ फ्रेम्स और टू द पेज विदाउट फ्रेम्स। तो यूज रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट मेथड टू डायरेक्ट द यूजर डिफरेंट पेजेस। तो यहाँ पे ब्राउजर कैपेबिलिटी कंपोनेंट्स का वर्किंग क्या है बताया गया है। तो इसमें जनरली हम ब्राउजर्स की कैपेबिलिटीज बताते हैं कि ब्राउजर्स क्या क्या सपोर्ट कर रहा है, फ्रेम्स को सपोर्ट कर रहा है क्या, उसके बाद
फ्रेम्स रहते हैं, उसके बाद ब्राउजर्स क्या क्या सपोर्ट करता है, स्टेट मैनेजमेंट सपोर्ट कर रहा है क्या, कुकीज सपोर्ट कर रहा है क्या, तो ब्राउज़र क्या क्या चीज़ें सपोर्ट कर रहा है अगर ये मुझे जानना है तो मुझे उसके लिए ब्राउज़र कैपेबिलिटीज़ कंपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा। और फिर वो कंपोनेंट यूज़ करने के बाद मुझे पता चलेगा कि इट इज़ वैलिड और नॉट। जैसे फ्रेम फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने बताया कि ब्राउज़र सपोर्ट्स फ्रेम और नॉट, फ्रेम को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो उसका जो भी आपका रिजल्टेंट आने वाला है तो वो आप उस तरीके से आपके यूज़र्स को डायरेक्ट कर सकते हो यानी बता सकते हो कि फ्रेम द फ्रेम्स आर सपोर्टेबल बाय दिस ब्राउजर्स। तो ब्राउजर्स अलग अलग से रहते हैं, क्रोम रहता है या मोजिला फायरफॉक्स रहता है या आई रहता है, तो हर एक ब्राउजर्स की कैपेबिलिटीज़ भी अलग अलग रहती है। तो कुछ ब्राउजर्स कुछ चीज़ें सपोर्ट करते हैं, कुछ ब्राउजर्स कुछ चीज़ें सपोर्ट नहीं करते हैं। सो दिस विल बी फाइंड आउट बाई यूजिंग दिस कंपोनेंट, ब्राउजर कैपेबिलिटीज़ कंपोनेंट। सर्वर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे उसकी एक डायग्राम बताई गई है। तो इस तरीके से ये सर्वर है हमारा, ठीक है, यूजर्स यहाँ पे अटैच्ड है। सर्वर ऑब्जेक्ट दिस इज यूज्ड टू सर्टन एंड सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब सर्वर इटसेल्फ, परफॉर्म क्लीनअप ऑफ सर्वर इंफॉर्मेशन नो लॉन्गर नीडेड एंड क्रिएट एंड टर्मिनेट इनपुट आउटपुट कनेक्शंस टू द यूजर फाइल्स एंड द अदर एप्लीकेशन लाइक डेटाबेस रिकॉर्ड्स that cannot or should not be shared among the multiple users। तो here हमने जैसे यहाँ पे देखा है कि generally हम यहाँ पे किस लिए यूज़ कर रहे हैं, कनेक्टिविटी करने के लिए, ठीक है, डेटाबेस को कनेक्टिविटी करने के लिए। तो generally वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है सर्वर ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि वंस सम ऑफ द यूज़र कनेक्टेड कनेक्टिविटी टू बी सक्सेसफुली कनेक्टिविटी परफॉर्म विद पर्टिकुलर डेटाबेस, तो हियर डेटाबेस इज कनेक्टेड टू दैट सर्वर टू दैट पर्टिकुलर यूज़र एप्लीकेशन एंड हियर दैट डेटाबेस इज नॉट एक्सेसिबल टू अनदर यूज़र। तो ये चीज़ें अगर हमें करनी है तो सर्वर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे बेसिक ऑब्जेक्ट्स जो मैंने बताए थे, देर आर फाइव बेसिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एएसपी, ये हमारे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो कल हम देखेंगे इम्पोर्टेंस या फिर आपके एएसपी का इम्पोर्टेंस क्या है, ये टॉपिक हम कल पढ़ने वाले हैं। इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एएसपी एंड हाउ वी आर वर्किंग विथ एएसपी.net और एएसपी। एएसपी.net इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एएसपी,